स्टूडेंट्स उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे मैं आपका टीचर शबाज़ वेलकम टू अवर क्लास स्टूडेंट्स आज मैथमेटिक ग्रेड सेवन का हम यूनिट एट की बात करेंगे देखते हैं अपने यूनिट को स्टूडेंट्स अगर मैं यूनिट की बात करूं तो नेम ऑफ द यूनिट इज आज इक्वेन एंड इन राइट हम प्रीवियस पूरे यूनिट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अलजब्रे एक्सप्रेशन क्या होती है मैं ऑलरेडी एक एसोलो कवर कर चुका हूँ कि अलजब्रे इक्वेशन क्या है और नेक्स्ट आगे हमने जाके इन इक्वालिटी के बारे में भी पढ़ना है तो आज अगर हम अपने स्टूडेंट्स एसोलो की बात करें तो दैट इज द बेसिक सॉल्व सॉल्व द बेसिक सेमस इक्वेश बेसिकली हम सेम्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व <coughs> करेंगे हमारा ये असलो है बट इन इक्वालिटीज को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे हम कहीं ना कहीं वन वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन या टू वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे या सेमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है तो इनके सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करता है स्टूडेंट्स ये हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिल्टीनियस इक्वेशन अब सेमिलटेनियस क्या है सबसे पहले हम इसको देखेंगे अगर स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन की बात करें द वर्ड एट द सेम टाइम यानी इसका मतलब क्या है कि सेम टाइम अक्रो यानी एक अगर आपकी इक्वेशन है एक्स एंड वाई वेरिएबल के अंदर तो कहीं सेकंड भी आपकी एक्स एंड वाई वेरिएबल के अंदर ही होनी चाहिए इफ टू आर मोर लीनियर इक्वेशन जब दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन की हम बात करेंगे जैसे मैं आपको बता भी रहा था अगर वेरिएबल्स द सेटेड फॉर गिवन इक्वेशन दीज इक्वेशन तो इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स हम ये बात कर रहे हैं मतलब होता है अकरिंग एट द सेम टाइम मतलब एक जैसी हो कहीं ना कहीं अब अगर हम लीनियर इक्वेशन के स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं ये दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं अगर एक में टू वेरिएबल है और दूसरी के अंदर भी टू वेरिएबल है यानी सेट अप वेरिएबल अगर एक इक्वेशन में जैसे हैं जितने हैं दूसरी में भी ऑन द सेम लाइन है तो हम उनको क्या कहेंगे ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है और जब आप उनका सोलूशन फाइंड आउट करेंगे तो दोनों का एक सेम पॉइंट होना चाहिए जो दोनों इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाइड करे तो इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एग्जाम्पल को देखते हैं अगर स्टूडेंट्स मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके सामने द फर्स्ट इक्वेशन इज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन एंड द सेकेंड इज थ्री एक्स नेगेटिव वाई इज इक्वल टू सेवन अगर मैं फर्स्ट को देखूं फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है ये टू वेरिएबल के अंदर है स्टूडेंट्स x एंड y वेरिएबल है और अगर सेकेंड इक्वेशन की मैं बात करूं तो दैट इज आल्सो टू वेरिएबल विच इज एक्स एंड वाई तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमें एक्स और वाई का ऐसा एक point देखना है जो दोनों इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाइड करे तो वो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट सोल्यूशन बन जाएगा ठीक तो है तो यह हैीनियर इक्वेश अब स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी अगर लीनियर इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल के अंदर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी या किस तरह के इक्वेशन होगी एग्जाम्पल को भी देखेंगे फिर उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है इस बात को भी देखते हैं इन विच ईच टर्म इज आयर कॉन्सटेंट और द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एज वेल वेरिएबल या तो वो कोई कॉन्स्टेंट होगा या आपका क्या होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का क्या होगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट होगा या दूसरे लफ्जों में आप यह भी कह सकते हैं इक्वेशन इन तो एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो जो एक्स है इसके हाइस्ट पावर स्टूडेंट्स क्या है वन है तो दैट इज द लीनियर इक्वेशन यहाँ ए बी पे कंडीशन है ये कोई रियल नंबर होते हैं ए बी आपका क्या है रियल नंबर है और ए जीरो

इक्वेशन सिंगल वेरिएबल चाहे आपका X हो, हो हो या स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन में यूज होगा उसमें स्टूडेंट्स तो बात करें हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं बट सिंपली जो भी आपका वेरिएबल होगा एक्स वाई या जी वट एवर इक्वेशन के अंदर आपने आप लोगों ने इसको क्या करना सेट करना, करना है

मैं फिर अगेन से कह रहा हूं जो भी आपके वेरिएबल यूज होंगे उनकी हाइस्ट पावर वन वन होगी वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अब लीनियर 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 को linear को इक्वेशन इसलिए भी कहते हैं स्टूडेंट्स चाहिए सिंगल वेरिएबल में और टू में हो थ्री में, में हो जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन लीनियर सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन इज द टू वेरिएबल वेन एन एक टू वेरिएबल उसके अंदर दो वेरिएबल हैं विद एवरी वेरिएबल द फर्स्ट डिग्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वेरिएबल्स की जो डिग्री है जो पावर है वो फर्स्ट होनी चाहिए वन होनी चाहिए सच दैट वेरिएबल्स आर नॉट मल्टीप्लाई विद ईच अदर और ये वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे अभी मैं एक राइट कार्नर पर लिख रहा हूँ एक्स वाई तो ये दो वेरिएबल प्रोडक्ट में आगे तो यहां ये लीनियर का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा सो इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल इन जनरलाइज इट कैन बी रिटर्न बी वाई इज इक्वल टू सी और ए बी सी आपके कोई कॉन्स्टेंट होते रियल नंबर होते एट आर द वेरिएबल्स तो सिंपल हमने ये कहा कि दो वेरिएबल एक्स एडवाई हैं उनकी डिग्री वन वन होनी चाहिए और कहीं भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो स्टूडेंट एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी ये जो ए बी सीशन में यूज हो रहे हैं ये बेसिकली आपके क्या होते हैं कॉन्स्टेंट होते रियल नंबर होते हैं ठीक है मे बी आई रैशनल मे बी आई रैशनल राइट और ए और बी पे कंडीशन है वो जीरो नहीं होने चाहिए अगर जीरो हो जाते हैं तो अगर ए जीरो हो गया तो इक्वेशन आपके सिंगल वेरिएबल के अंदर चली जाए जो कि वाई है और फिर हम चौक के इक्वेशन लीनियर टू वेरिएबल्स की बात करें तो so ये बात हमारी टू वेरिएबल्स के अंदर एक रह जाएगा तो वो कंट्रोडिक्शन आ जाएगी नेक्स्ट अगर स्टूडेंट एग्जाम्पल की बात करें तो टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स नेक्स्ट आपका एक्स माइनसिव फोर वाई इज इक्वल टू टेन नेगेटिव थ्री एक्स आप वेरिएबल के, तो so के, के साथ कॉन्स्टेंट लगा लें इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जो मर्जी दिल चाहता है लगा लें. कहीं ना कहीं आपके दो वेरिएबल एक्सर वाई अगर इक्वेश में नजर आ रहे हैं तो सो दर दिन और आपका क्या कहलाएंगे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्योंकि दो एक्स और वाई आपके वेरिएबल यूज हो रहे हैं और अगर आप तमाम एग्जाम्पल को गौर से देखें तो हाइस्ट पावर वन वन है सो दैट्स दट दिस इक्वेशन आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कुछ अगर हमें सेंटेंसेस दिए गए हों वर्डिंग अब उनको मैथमेटिकली इक्वेशंस के अंदर कैसे लिखना है यानी टू वेरिएबल्स के अंदर हम इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं जबकि हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए तो पहले स्टूडेंट्स हम कुछ इक्वेशन को राइट करना चाहते हैं द प्राइस ऑफ टू के जी और wow, अगर आपके पास दो के जी औरजेस हैं एंड द फॉर के जी आर गज टू हंड्रेड एटी अगर आपके पास टू के जी ऑरेंज हैं और आपके फोर के जी क्या है गोवा है और इनकी कीमत अगर आपके 280 है तो बताएं इक्वेशन कैसे बनेगी तो सबसे पहले मैं को X कह दूंगा और क्या हो जाएगा आपका वाई तो इसका मतलब है टाइम टाइम ऑफ ऑफ आपका प्लस आपका फोर टाइम ऑफ वाई जहां इज्ज आ जाएगा वहां स्टूडेंट्स इक्वल होगा तो दैट इज टू तो सो अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं स्टूडेंट्स तो ये आपके क्या हो जाएगी आपके सामने है यानी बेसिकली आपका क्या है ये को represent कर रहा है और y आपका किसको represent कर रहा है? वावा को represent कर रहा, राइट अगर सेकंड की हम बात करें तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर लेता हूं कि दो नंबर हमारे एक्स एंड वाई है तो उनका डिफरेंस क्या होगा एक्स माइनस वाई और is की जगह मैंने कहा इक्वल है तो आपका क्या आ जाएगा थ्री अगर स्टूडेंट्स हम थर्ड जो हैं सेंटेंस की बात करें तो दैट इज वेरी इजी इफ वे टू नंबर इतना देखें सम ऑफ टू नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास टू नंबर है हम लेट कर लेंगे कि टू नंबर हमारे एक्स एंड वाई हैं तो सम ऑफ टू नंबर बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा बाय देयर प्रोडक्ट यानी इन दोनों नंबर का ही प्रोडक्ट तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक्स वाई हम कह रहे हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई यानी किस किस को ये जो दो नंबर का सम है इसको मल्टीप्लाई करते हैं उन दोनों के प्रोडक्ट से, तो आंसर हमें क्या मिलता है इसका मतलब सम ऑफ दिज टू नंबर विच इज एक्स प्लस वाई इज वन हंड्रेड तो सो आपकी स्टेटमेंट पहले ही मैंने स्टूडेंट्स बता दी अगर आप उसको देखेंगे तो सिंपली आप उस सेंटेंस को क्या कर लेंगे इक्वेश में लिख लेंगे आपने सिंपली जो अनोन होगा उसको एक्स या वाई कह देना है और जैसे ही स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपने इक्वेशन बना लेनी है और जहां कहीं इस वहां इक्वल और जो भी इसके बाद अमाउंट बोलेंगे वो आप राइट right कर लिए करेंगे और यूं आप अपने सेंटेंस को क्या कर देंगे एक इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन के अंदर लिख लेंगे अगर आप दो क्वांटिटीज की बात कर रहे होंगे तो दीज आर द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल तो आपकी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर बनेगी राइट नेक्स्ट स्टूडेंट सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर आपकी एक इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर है तो उसके सोल्यूशन का क्या मतलब है तो देखते हैं स्टूडेंट्स सोलूशन फॉर सिस्टम ऑफ सीनियस लीनियर इक्वेशन इज ऑर्डर की बात करेंगे तो एक x, y, निकलेगा वैल्यू एक निकलेगी एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन मैं पहले ही बता चुका है इक्वेशन मे बी So many हो सकता है आपके इक्वेशन टू वेरिएबल तो स्टूडेंट्स उसका सोल्यूशन क्या होगा सो so सिंपल अब एक्स और वाई की जगह क्या लगाते हैं वैल्यू आपकी इक्वेशन क्या रहे सेटिस्फाइड या दूसरे लफ्जों में बेसिकली लीनियर इक्वेशन की बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन होगी चाहे टू वेरिएबल के अंदर है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स आपके लाए करेंगे वो उस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाइड और वो तमाम पॉइंट्स उस इक्वेशन क्या बन जाएंगे सॉल्यूशंस बन जाएंगे तो ये वेरी इंटरेस्टिंग है अगर मैं इसकी बात करूं ये एक इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स स्टूडेंट्स मैं इसका ग्राफ ड्रा किया तो ये है कुछ पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाइ कर रहे हैं आप देख भी सकते हैं और ये तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाइड करेंगे अगर इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाइड तो ये तमाम पॉइंट्स इस का स्टूडेंट्स क्या होगा एज अ सोल्यूशन होगा जबकि ये सिंगल इक्वेशन है अब जब दो इक्वेशन हैं जिनको हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं इनमें तीन केस आते हैं या वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे वो उन दोनों इक्वेशन का क्या होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सोल्यूशन होगा सिंगल पॉइंट होगा और उसे कहेंगे यूनिक सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरल आए स्टूडेंट्स तो जब दो लाइंस का आप ग्राफ ड्रा करेंगे पैरल होंगी तो देयर इज नो सोल्यूशन इस कंडीशन में सोल्यूशन नहीं होगा अब एक थर्ड केस ये भी हो सकता है कि दो इक्वेशंस उनका अपने ग्राफ ड्रा किया एक का जो लाइन स्ट्रेट बनेगी दूसरी की भी वही बने यानी लाइन के ऊपर लाइन आ गई लाइन के ऊपर लाइन आ गई तो इस तरह इन दोनों इक्वेशन के तमाम पॉइंट्स क्या बन जाएंगे स्टूडेंट सोल्यूशन बन जाएगा तो यही केस मैंने लिखा है अब वन सोल्यूशन कब होगा जब दोनों इक्वेशन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके सामने है आप इनका ग्राफ ड्रा किया एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो सो यूनिक सोल्यूशन इन दिस केस और सोल्यूशन गिवन है नो सोल्यूशन वेन बोथ लाइन्स आर द पैरल अगर दोनों लाइन्स आपकी पैरल है जैसा कि ये इक्वेशन आपके सामने है सो इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है ना ही ये ओवरलैप कर रही है सो दैट्स वाई इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा अगर थर्ड की मैं बात करूं तो इंफिनिट मेनी सॉल्यूशन यानी एक लाइन का आपने ग्राफ ड्रा किया और दूसरी भी उसके ऊपर ही एज इट इज आ गई तो इन दिस केस आपको इंफिनिट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे ये ग्राफिकली लीनियर इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करना कभी भी बच्चों को कोई नहीं बताता बट मैंने कोशिश की कि आपको समझ आ जाए कि यूनिक आपका आंसर कब निकलता है या सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता ये कब इन्फिनिट मेरी सोल्यूशन आते हैं तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग आज आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आगे, आगे आपको इसका फायदा होगा नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर देखते हैं एक इक्वेशन ली एंड टू वेरिएबल और देखना है कि इसका सोलूशन क्या होगा तो देखते हैं स्टूडेंट्स अब इसके सोल्यूशन का मतलब ये हुआ ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर हमें यह देखना है कि एक्स और y की जगह कौन कौन से पॉइंट लगाएं कि हमारे दोनों साइड का आंसर क्या हो स्टूडेंट्स इक्वल हो तो फर्स्ट वी हैव टू टेक एज द सॉल्यूशन इक्वेशंस को नंबर वन कह दिया अगर मैं एक्स की जगह जीरो लगाता हूं तो सॉल्व किया y मुझे क्या मिला टू मिला तो इसका मतलब है बेसिकली द फर्स्ट सोलूशन आपका क्या निकलेगा जीरो कॉमा टू यानी एक्स की जगह आप जीरो लगाएं वाई की जगह टू लगाएं इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेंगे दोनों साइड का आंसर बराबर आएगा सो ये इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट सोल्यूशन नेक्स्ट अगर बात करें मैं एक्स की जगह टू लगा लेता हूं ठीक है इन द इक्वेशन वन जिस जगह पे एक्स आ रहा है वहां मैंने टू लगाया टू लगाने के बाद मैंने सिंप्लीफाई किया वाई मुझे वन मिल गया तो अब

फोर्थ वन इज अगर आप x को नेगेटिव फोर लगा लेते क्या स्टूडेंट्स भाई आपको थ्री मिला तो सो नेगेटिव टू कॉमन थ्री इज आल्सो अ पॉइंट विच इज सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन और इसे आप क्या कहेंगे इसका सोल्यूशन कहेंगे तो सो so सिंपल एक वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से ये जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं नॉट नेसेसरी कि आप यही लगाएं एक पॉइंट को आप अपनी मर्जी से वैल्यू दें और उसके लिए आप बाय को क्या कर ले सॉल्व कर ले और जो बाय का आपका आंसर मिलेगा और जो पहले आपने सेट किया होगा ये पॉइंट के ऊपर क्या करेगा लाइ करेगा यानी को क्या करेगा तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट उसका सोलूशन तो ये फोर पॉइंट वन टू थ्री एंड फोर यही हमने फोर पॉइंट्स निकालने थे जो हमारे इक्वेशन या फोर सोल्यूशन निकालने थे जो के तो सेटिस्फाइड अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें तो आपके एक्सरसाइज एट बी क्वेश्चन नंबर एंड आप लोगों ने सॉल्व करना है और नेक्स्ट हमारे रिसोर्सेज हैं फर्स्ट वन इज वर्कशीट एंड द सेकेंड वन इज क्वेश्चन बैंक थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन फॉर यू इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी अगर आज मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ करूँ यानी क्या पढ़ा तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने मल्टीन्यूस लीनियर इक्वेशन को देखा कि क्या होती हैं और उनका सोलूशन के बारे में थोड़ी सी बात की फिर लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फिर ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन इसका क्या मतलब है यूनिक कब निकलता है इन्फिनिट मनी सोल्यूशन ये सोलूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता और एंड पे हमने टू वेरिएबल्स के अंदर एक इक्वेशन दी और उनके फोर सोल्यूशन देखे यानी फोर पॉइंट ढूंढे जो उस इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाइड करते हैं उसका क्या बनेगा सोल्यूशन बनेगा आई होप सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर फॉर यू आप लोगों ने गेन किया होगा मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए अल्लाह एंड थैंक यू